आखिर कौन है झूठा? झूठ पर झूठ, आखिर कब तक झूठ बोलोगे साहब? श्री पारस हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल पर नई जानकारी। जब सब झूठ है तो फिर सच क्या है? नमस्कार, मैं आकांक्षा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। वर्ष 2021 के अप्रैल माह कोरोना की दूसरी लहर में हर ओर त्राहिमाम हो रहा था। ऑक्सीजन की भारी कमी थी, धड़ाधड़ मौतें हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ऑक्सीजन की कमी को जिलाधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके इलाज करने वाले भी चिकित्सक ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। मामले में पहले पारस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हुआ और अब एक और वीडियो कार्डियक सेंटर की महिला चिकित्सक का वायरल हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन की इस तरह से गुहार लगाई जा रही है कि संवेदनशील हृदय से रोब उठेगा। क्या यह झूठ है? मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूं सर कि मेरे सेंटर पे, आगरा मेडिकल एंड कार्डियक रिसर्च सेंटर पे गैस खत्म हो चुकी है। हमने पुलिस को बुलाना शुरू कर दिया है। प्लीज अगर हो सके तो सिलेंडर भिजवा दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं सर, मेरे सेंटर आगरा कार्डियक सेंटर पर गैस खत्म हो गई है। हमने पुलिस को बुलाना शुरू कर दिया है। प्लीज अगर हो सके तो सिलेंडर भिजवा दीजिए। मेरा आदमी वहां पर 4 बजे से खड़ा हुआ है। मुझे आज 50 सिलेंडर में से सिर्फ 27 सिलेंडर मिले थे। 50 मरीजों पर मैंने 27 सिलेंडर से काम किया है। दर्शकों, ये वीडियो एक कार्डियक सेंटर में डॉक्टर चिकित्सक महिला का है, ये मैं आपको बता दूं। मैंने अंबू बैंक मंगवा लिया है। मुझे पता है आप लोग गैस नहीं भेजेंगे और मैं जितना हो पाएगा उतना करूंगी। क्या यह झूठ है? मेरा आदमी एडवांस फिलिंग सेंटर के अंदर है सर, 23 सिलेंडर हैं उसके पास सर, प्लीज मुझे भिजवा दीजिए। बहुत कैजुअलिटी हो जाएगी, बहुत यंग बच्चे हैं मेरे पास, 27 साल के, 30 साल के, प्लीज सर बहुत रिक्वेस्ट करके कह रही हूं। मरने का वेट नहीं करिए कि मरने के बाद आप निकलना शुरू करेंगे और मुझे एहसान में 5 सिलेंडर दे देंगे। मैं कल अपना सेंटर बंद कर दूंगी, तब तक प्लीज मरीजों को उनका लाइफ सपोर्ट भिजवा दीजिए। उसके बाद आप उन्हें जहां ट्रांसफर करना चाहें करें, उसके बाद मैं ताला लगा दूंगी। दर्शकों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और गौर से देखिए, क्योंकि उस डॉक्टर ने, जो महिला चिकित्सक डॉक्टर है, उन्होंने ऑक्सीजन की मांग के लिए सिलेंडर मांगे हैं और एक गुहार लगाई है। इसके आगे मरीजों को जो भी होता है उसके लिए हायर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। हमारे CM योगी आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारे DM रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारी IMA के ऊपर वाले हेड रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि यहां पर बहुत मिसमैनेजमेंट थॉज, क्योंकि यहां उन 50 पेशेंट्स की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर ने मिलकर यहां 92 घंटे लगातार काम किया है। हम लोग जरा सा भी सोए नहीं है, आप लोग भी नहीं सोए, पर किसी ने कुछ नहीं किया सर। मेरा आदमी एडवांस फिलिंग सेंटर के अंदर है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूं सर कि मेरे सेंटर पे, आगरा मेडिकल एंड कार्डियक रिसर्च सेंटर पे गैस खत्म हो चुकी है। हमने पुलिस को बुलाना शुरू कर दिया है। प्लीज अगर हो सके तो सिलेंडर भिजवा दीजिए। मेरा आदमी वहां पे 4 बजे से खड़ा हुआ है। मुझे आज 50 सिलेंडर पे सिर्फ 27 सिलेंडर मिला था और 50 मरीजों पे मैंने 27 सिलेंडर पे काम किया है। मैंने अंबू बैग मंगवा लिए हैं। मुझे पता है आप लोग नहीं गैस भेजेंगे और मैं जितना हो पाएगा उतना करूंगी। मेरा आदमी एडवांस फिलिंग सेंटर के अंदर है सर, 23 सिलेंडर है उसके पास सर, प्लीज मुझे भिजवा दीजिए। बहुत कैजुअलिटीज हो जाएंगी, बहुत यंग बच्चे हैं मेरे पास, 27 साल के, 30 साल के, प्लीज सर बहुत रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, प्लीज निकाल दीजिए। मरने का वेट नहीं करिए कि मरने के बाद आप निकालना शुरू करेंगे और मुझे एहसान में 5 सिलेंडर दे देंगे। मैं कल अपना सेंटर बंद कर दूंगी। प्लीज तब तक आप मरीजों को बस उनका सपोर्ट भिजवा दीजिए, लाइफ सपोर्ट। उसके बाद आप उन्हें जहां ट्रांसफर करना चाहे करें, मैं उसके बाद ताला लगा। क्या IMA का बयान झूठ है? IMA की जनरल बॉडी की बैठक में चिकित्सकों ने कहा है कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी, सिलेंडर के लिए रात भर चक्कर लगाते रहे। प्रशासन अपना दबाव कम करने के लिए डॉक्टरों को बलि का बकरा बना रहा है। तो क्या DM का बयान झूठ है? जबकि DM प्रभु नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि 26 अप्रैल को 4 और 27 अप्रैल को 3 मौत हुई थी। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, मगर डॉक्टर अरिंजय जैन कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन।
मोदी नगर ड्राइव हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे, चार छह जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑप्शन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, तो फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दो से मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन कर दी सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज तुरंत खोल दिए। 22 मरीज छट गए, भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो सलाह अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। क्या यह भी झूठ है, जबकि मामले में मृतकों के परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी के आरोप लगाए हैं कि उनसे कहा गया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, मरीज को दूसरी जगह ले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते तो अपने स्तर से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लें, वह भी झूठ है। तो फिर सच क्या है? प्रशासनिक अधिकारी और खुद डॉक्टर अरिंजय जैन ही बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज। नमस्कार।